नाबालिग लड़के के साथ भागी आंगनबाड़ी सहायिका, पति ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। केरा गांव का रहने वाला है पीड़ित पति। जांजगीर चांपा के केरा गांव से बड़ा मामला सामने आया है। आंगनबाड़ी सहायिका नाबालिग लड़के के साथ भाग गई है। मामले को लेकर पीड़ित पति अरुण बंजारे ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है और पत्नी को पद से हटाने के साथ ही नाबालिग लड़के के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। आंगनबाड़ी सहायिका की 11 साल की बेटी और 8 साल का बेटा भी है। खास बात यह है कि अरुण ने मेहनत करके अपनी पत्नी को आंगनबाड़ी सहायिका बनवाया था, फिर भी पत्नी पति और बच्चों को छोड़कर एक नाबालिग लड़के के साथ भाग गई है। फिलहाल शिकायत के बाद यह मामला सुर्खियों में है और ज्योति मौर्य केस से जोड़कर इस मामले को लोग देख रहे हैं। यही वजह है कि केरा गांव के इस मामले की खास चर्चा है। अब देखना होगा कि शिकायत के बाद इस मामले में प्रशासन का क्या रुख रहता है। मैं मौलवी बाप भाग के तकल लिए वहाँ आए हूँ, शिकायत दर्ज करें। मौजूद छोटे छोटे लोग लेके आए और दूसरे लड़का के साथ भाग गए, 17 साल नाबालिग लड़का के साथ। जिला में मेहनत मजदूरी करके और नौकरी में लगा रहे हैं। आज वो मुला छोड़ इस मुलेकल छोड़ के दूसरे साथ जिंदगी बिताते हैं। कल ही मैं आवेदन दे आ रहे हैं मुलेकल, यही मतलब न्याय दिलवा हुआ है। ग्राम केरा से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें ग्राम की एक महिला अपने एक पड़ोसी लड़के के साथ चले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है और शिकायत की जांच नवागढ़ थाने द्वारा की गई है, की जा रही है, और शिकायत जांच के उपरांत उसमें समुचित कार्रवाई की जाएगी। महिला अपने बच्चों को गांव में ही छोड़ के एक लड़के के साथ चले जाने की सूचना प्राप्त हुई है और उसकी जाँच की जा रही है।